सीएसपी संचालक से 4,74,000 लूट मामले में हैदरनगर पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। हाजिर में शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। इस संबंध में प्लामो पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बुधवार को मेदिनीनगर में प्रेस वार्ता कर बताया कि मोहित कुमार पहले से एक लूट मामले में जेल में बंद है, वहीं भीम सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। हैदरनगर थाना क्षेत्र में 18 मई को एक लूट की घटना घटी थी। उसमें हैदरनगर से एक सीएसपी संचालक पैसा लेकर जा रहा था, उसे 4,74,000 रुपये की लूट हो गई थी। तो शुरू में इस कांड में कोई सूत्र नहीं मिल रहा था, लेकिन काफ़ी मेहनत किया हुसैनाबाद पुलिस ने और हैदरनगर थाना प्रभारी ने, और तब ह्यूमन इंड और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन पर एक संदिग्ध पकड़ा गया अनवर नाम का, और तब उसने स्वीकार किया कि हम इस घटना में शामिल था। उसके पास से 9,000 रुपया और वादी का लूटा हुआ पैन कार्ड वगैरह बरामद हुआ है, जिससे पुष्टि हुई है कि घटना में शामिल था। और इसने बताया है कि इसमें मोहित, भीम और भीम का जानने वाला दो और लड़का इन्वॉल्व था इसमें। तो मोहित ऑलरेडी सीएसपी लूट कांड में ही दूसरे कांड में जेल जा चुका है, अब इसे इस कांड में रिमांड पर लिया जाएगा और भीम की गिरफ्तारी की छापामारी की जा रही है। ये महत्वपूर्ण। हुसैनाबाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम में इंस्पेक्टर संजय रवि टप्पो, थाना प्रभारी हैदरनगर अजीत कुमार मुंडा, एसआई शिव शंकर उड़ाव हैदरनगर थाना के अलावा अन्य लोग भी शामिल थे। आज के लिए बस इतना ही। शेख मुजाहिद हुसैन आबादी के साथ बने रहिए आरबीसी चैनल पर, हम कराते रहेंगे आपको हर हकीकत से रूबरू।